दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि सर एलसीएम के जो बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं, जैसे कि 4 अंकों का हो गया, 3 अंकों का हो गया, तो इसमें एलसीएम निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हमें कैसे करना है इसको अच्छे से बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम के यहाँ पर 2 सवाल। अगर आप इन दोनों ही सवालों को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी एलसीएम में आपको आगे से गलती नहीं होगी और दूसरी बार आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इसमें हम 4 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या है, 18 है, फिर इसके बाद में क्या है, 24 है, ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, 36 है, ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, 48 है, ठीक है। इन संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें यहां पर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, फिर 2 से हो जाएगा तो फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 के बाद फिर 4 से नहीं लगाएंगे, फिर हम 5 से लगाएंगे, फिर 5 से हो जाएगा तो फिर हम 6 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 6 भाज्य संख्या है, फिर 7 से लगाएंगे, फिर 9 से लगाएंगे। इस तरीके से हम अभाज्य यहां पर लगाएंगे, ठीक है, 9 से नहीं, यहां पर डायरेक्ट फिर हम काय से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी, 2 से ये भी, सब 2 से कट रहे हैं, तो चलिए 2 से लगा देते हैं। तो 2 नाम 18, ठीक है, फिर यहां पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, फिर यहां पर 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 8 16, ठीक है, फिर यहां पर 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर भाग लगाएंगे। तो देखिए अभी 2 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो हम 2 से ही लगाएंगे, 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसा ही लिख दो, ठीक है। 12 में कितनी बार जाएगा, 2 इच्छिंग 12, 6 बार में। यहां पर 18 में कितनी बार जाएगा, 2 नाम 18, ठीक है। 24 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए क्या फिर से 2 से जा रहा है, तो देखिए 2 से इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, तो चलिए फिर से 2 से लगा देते हैं, 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 में कितनी बार जा रहा है, 2 3 6, ठीक है, इस 9 में नहीं जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 इच्छिंग 12, ठीक। चलिए अभी भी हमारा एक बार 2 से चला जाएगा, तो चलिए फिर 2 से लगा देते हैं, 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो 6 है तो यहाँ पर 2 3 आ जाएगा, 6, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से अब ये 2 से नहीं कटेगा, देखिए ये भी 2 से नहीं कट रहा है, 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 ठीक है। तो अब अगली संख्या क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, ठीक है। अब 3 से हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काट देंगे, तो 3 लिखेंगे और इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 का 9 में कितनी बार जाएगा, 3 तिरका 9, यहाँ पर 3 में कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब फिर से 3 से चला जाएगा, तो फिर 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3, 1 का 1 ही आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 का 1 ही आ जाएगा, नीचे 1 1 आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है और आगे सॉल्व होगा भी नहीं, यहां से आगे क्या सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो संख्याएं हमें मिली हैं, ये वाली जो संख्याएं हमें मिली हैं, इन सभी को हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो गुणा में लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया। 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार 3 है, तो गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, सबका गुणा कर लीजिए, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, ठीक है, तो ये हो गया 16, गुणा 3 तिरका 9, ठीक है, तो ये हो गया 9, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 9 छक्के 54, 54 की 4 यहां से लग जाएगा 5, और 9 एकम 9, 9 और 5 14, यानी कि 144, मतलब कि ये वाली जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम कितना आया है, 144 आया है, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार से आपको कितना भी बड़ा एलसीएम आ जाए, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए जो हमारा दूसरा सवाल है इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। तो क्या है, देखिए सबसे पहले है 18, ठीक है, फिर है 24, ठीक है, फिर है 27, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले 2 से लगाएंगे भाग, तो देखिए 2 नाम 18, ठीक है, 2 एकम 2,
ठीक, और यहां पर दो दुनी चार, ठीक है, 27 में तो जाएगा नहीं, तो 27 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से देखिए, दो से इसमें चला जाएगा, तो दो से लगाते हैं, नौ को ऐसे ही छोड़ेंगे, दो इच्छिंग 12, ठीक है, 27 को भी ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फिर से दो से लगाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा नौ, यहां पर दो तीया छः, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 27। अब देखिए दो से नहीं कटेगा, तो अब हम काटेंगे तीन से, ठीक है। तो यहां पर देखिए तीन तिरका नौ, तीन एकम तीन, तीन नाम 27, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, तीन से करेंगे, तीन एकम तीन, एक का एक और तीन तिरका नौ, ठीक है। और फिर से हम तीन से करेंगे, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा और यहाँ पर भी एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो संख्याएं आई हैं, यही क्या है, हमारा एलसीएम है। तो इनको गुणा कर लेते हैं, दो कितनी बार है, एक दो तीन बार है, और तीन कितनी बार है, एक दो तीन बार है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बार दो है और तीन बार तीन है, ठीक है। तो दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लेते हैं, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ तीया 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24 गुणा तीन तिरका नौ, ठीक है। तो नौ से अब 24 में गुणा कर लेते हैं, नौ चौको चार नाम 36 होता है, तो 36 की 6 हाथ से ला जाएगा तीन, ठीक है। नौ दुनी 18, 18 और तीन कितने हो जाएंगे, 19, 20, 21, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21, तो क्या आ गया, 216। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 216 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।